में इन दिनों आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर लोगों से बढ़ चढ़कर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसकी सूचना ग्राम रिपोर्टर टीम को कई दिनों से थी, जिसके बाद आज तलैया मोहल्ला में हमें एक ऐसा ग्रुप मिला जो आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। मोहल्ले के कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाकर ये लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 50 रुपए तक ले रहे थे। इसके साथ ही जो दो लोग काम कर रहे थे उनमें से एक पढ़ने वाला बच्चा भी था जो अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म करके इस काम में कमीशन के रूप में काम कर रहा था। इस छात्र को 10 रुपए प्रत्येक कार्ड के हिसाब से पैसा मिलता था। वहीं जब हमने यह कार्ड बनाने वाले व्यक्ति से बात की तो उसने बताया कि डॉक्टर बुनकर ने उन्हें कार्ड बनाने के लिए बोला है। इसके बाद जब हमने हकीकत जानना चाहिए तो CMHO डॉक्टर बुनकर ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आयुष्मान कार्ड रास्ते में नहीं बनाए जा सकते। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कार्ड अस्पताल में गंभीर बीमारी के टाइम पर ही बनता है या फिर कियोस्क सेंटर पर मात्र 30 रुपए में बनता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि इस तरह के गिरोह लोगों से 50, 60, 80 रुपए तक न जाने कितना रुपया लेकर एक कार्ड बनाने के नाम पर ले रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से प्रशासन इन पर नकेल कसता है, क्या इन लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा या फिर मात्र खाना पूर्ति कर यह मामला दबा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड बनाना कोई आपके पास वो है आईडेंटिटी कार्ड वगैरह? सर मैं तो पढ़ाई करता हूँ और क्लियर को चला लेता हूँ तो खर्चा दिलाने में मतलब की किसने बुलाया आपको यहाँ पे? बुलाया तो किसी ने, एक बार शायद आए थे तो इन्होंने दोबारा कहा इन्हीं के परिचय से आता हूँ मैं मुझे। कितना रुपये मिलता है किसमें? 10 रुपये कार्ड के। 10 रुपये एक कार्ड के मिलते हैं। एंट्री क्या करते हो, क्या एंट्री करते हो कंप्यूटर में आप? कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। वासन जी बता रहे थे, बुनकर जी बता रहे, दीपू वासन कहाँ रहते हैं ये? मुझे जानकारी नहीं है सर। उनका आईडी पासवर्ड क्या है? ना आईडी पासवर्ड उनने तो वहीं से खोल के दे देते हैं और लॉक कर देते हैं वहीं से। हमको सिर्फ आधार कार्ड डालना रह जाता, आधार कार्ड डाल के लगा लेते हैं। आपको पता है आप 420 कर रहे हैं लोगों के साथ में, जेल जा सकते हो। देखेंगे यार, हम तो खर्चा उठा रहे हैं, मतलब कि कौन से वालों पढ़ाई वालों, हमें तो लैपटॉप अकेले चलाना। कितने आईडी बना लिए अभी तक आपने? मैंने मेरे पास मतलब मैंने लगभग 50 साठ कार्ड। आपकी आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, कैसे बनवा रहे हैं, क्या नॉर्म से है? सर मैं नहीं बनवा रहा हूँ, आपके नाम की आईडी चल रही है। आप आईडी खोलते हैं, आप बंद करते हैं? नहीं सर, मेरी आईडी नहीं है। आपके लड़के ने बताया है? नहीं बताया उन्होंने, वो उन्होंने बोला मेरे घर के कार्ड बनना है इसलिए वो आया था बनवाने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है? चलिए, इस लड़के का नाम बताएंगे आप क्या है? कौन इस लड़के का नाम जो आपके काम? दीपक कहाँ पर रहता है ये? इधर ही रहते हैं, कैंट तरफ बता रहे थे किराए से। पूरा नाम पता है इनका? दीपक शर्मा। शर्मा, इनका नाम दीपक शर्मा नहीं है, मेरा नाम है दीपक शर्मा। एक मिनट रुके, मैं बात कर लूँ, आप कर लीजिए ठीक है। इन्होंने बताया इनको कमीशन मिलता है कार्ड का, और आप बोल रहे हैं घर के कार्ड बनने के। आप ऐसे हर किसी को आईडी दे देंगे अपनी खोल के? नहीं देंगे ना सर। आप 3 दिन से इनसे करवा रहे हैं काम? नहीं सर, अभी उनको वहाँ जाना, तो आप बात कर लीजिए उनको। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक। किस नाम से आपकी की उसका आईडी है? मेरे नाम से नहीं है। किसके नाम से चला रहे हैं? भैया के नाम से। और नहीं, ये हमारे नॉलेज में नहीं है और ना ही हॉस्पिटल के द्वारा भेजे गए। तो जिस तरह आयुष्मान भारत के कार्ड जो है MP online पर बनते हैं, और जो गंभीर मरीज होते हैं उनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जाता है, मौके पर उनको कार्ड बनाया जाता है, उनको सुविधा दी जाती है। तो जो ये गली गली में कर रहे हैं वो? नहीं, उसका हमें ज्ञान नहीं है, पता नहीं है हमको, नहीं कोई रिपोर्ट है कहीं से।